दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल EIO हिंदी में और मैं हूँ विश्वनाथ। दोस्तों आज मैं एक संपूर्ण अलग और न्यू टॉपिक पे बात करूंगा और ये टॉपिक है हाल ही में घटित हुआ कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में। दोस्तों आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है और बाजार में तरह तरह के आइसक्रीम भी मिल जाते हैं। इनमें से कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा और कुछ लंबे होता है। पर कभी सुना है 1.5 किमी लंबा आइसक्रीम? जी हाँ दोस्तों, मार्किन यूक्रेस्ट में एक उत्सव होता है जिसका नाम है टेक्सास उत्सव। वहाँ पे ये आइसक्रीम लाया गया था। आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि सिर्फ 30 मिनट में 4000 लोग उस आश्चर्य आइसक्रीम को काट गए। पता चला है कि हजारों इंसानों के मुंह में पानी लाने वाला इस आइसक्रीम को तैयार करने में 500 गैलन वेनिला, 500 गैलन क्रंची कैन चॉकलेट, 300 गैलन चॉकलेट, 300 गैलन स्ट्रॉबेरी सिरप, 20,000 चेरी फ्रूट और बहुत सारे विचित्र चीज लगा है। और यहाँ पे एक बात आप लोगों को जानना आवश्यक है कि इस विश्व के सबसे लंबे आइसक्रीम अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जगह बना चुका है। दोस्तों ये था पहला घटना और अब चलते हैं दूसरे घटना के बाद। वो सिर्फ चाय पीती है, ब्लैक टी। सुबह उठने से लेकर रात में सोने से पहले तक चाय वाली आंटी सिर्फ एक बार ब्लैक टी पीकर अपने भूख मिटाती है, वो भी सूर्यास्त के बाद। छत्तीसगढ़ के कोरिया अंचल के लोग दिल्ली देवी को चाय वाली आंटी नाम से जानती है। घर के बाहर ज्यादा वो निकलती नहीं है और आश्चर्य की बात है कि शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। पिछले 33 सालों से सिर्फ चाय पी की जिंदा है, वो भी सिर्फ एक बार। अब लोग सोच रहे होगी कि वो आंटी पूरे दिन घर में क्या कर रही होगी, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे दिन शिव की आराधना करती है, पैदा होने के बाद एक कप ब्लैक टी पी लेती है, यही उनके रोज का रूटीन है। अब चलते हैं तीसरे घटना के ओर। 6.5 फुट लंबे एक विशालकाय के राइनोसोरस चोरी हो गया। अब लोग सोच रहे होंगे कि राइनोसोरस को क्या कोई चोरी कर सकता है? अगर कोई चोरी कर भी लिया तो क्या पकड़ी जानी चाहिए? चोरी करके वो उसे रखेंगे कहाँ? सच में इंग्लैंड के ट्रानबीच वेल के किनस्टोन गार्डन ऑर्नामेंट की राइनोसोरस कुछ दिन से दिख नहीं रहा है। वह राइनोसोरस ब्रोंज के थे तो क्या उतने भारी मूर्ति को कोई हाथ में लेकर तो नहीं जा सकता? कोई सुपरमैन तो है नहीं, क्रेन से उठाकर बड़े गाड़ी में डालकर लेकर जाना पड़ेगा। पार्क के अंदर से दिन दहाड़े राइनोसोरस की मूर्ति अदृश्य होने के इस घटना को लेकर पूरी लंदन पुलिस धंधे में है। चलते हैं अंतिम घटना की ओर। दोस्तों अब लोग मूर्ति तो बहुत किस्म का देखा होगा, जैसे कि धातु की, पत्थर की, मिट्टी की, मोम की, पर कोई सुना है चुनगम की मूर्ति? जी हाँ दोस्तों, इटली के रोम शहर का एक निवासी है जिसका नाम है मरियम सवानी, पिछले 10 साल से चुनगम की मूर्ति बना रही है। वो भी कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, नीलाम में एक एक मूर्ति का प्राइस उठता है 28,000 यूरो, तो किसी का 50,000 यूरो, तो सोच ही रहा है भाई ऐसा मूर्ति है। तो इसी के साथ खत्म होती है आज का ये अजीबोगरीब वीडियो। और अगर आप लोगों को ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।